जरिए एक समाज का बहुत ही लोकप्रिय नेता, जो कि वह केवल एक बिरादरी से नहीं थे, वह सबसे ज़्यादा हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख ईसाई सब धर्म को एक साथ लेकर चलने वाले, और हमारे यहाँ गांव में आकर होली खेलते थे और यह साबित करते थे कि मैं समाज का सिंगल एक सामाजिक कार्य करता हूँ और सब समाज के लिए मैं यहाँ पे आज सेवा करने के लिए। वह 3 बार चुनाव लड़े, प्रथम चुनाव 250 वोट से हारे, आज का मुकाबला, और आज इस कैंडल मार्च के जरिए हम लोग इस भगत सिंह चौक पे जो शहीद स्थल है, तो मैं तो यही जानता हूँ कि फखरुद्दीन खान आज शहीद हो गया भगत सिंह के चलते, आज उसको शहीद का दर्जा हम लोग दिए हैं इस कैंडल मार्च के जरिए, कि वह समाज का एक ऐसा नेतृत्व था जिससे समाज के दबे कुचले सारे गरीब लोगों का सेवा करता था, लड़की का शादी कराता था। वह यह जगह जो है रामनगर की धरती पर और यह चंपारण की धरती पे खाली ही रहे। डॉक्टर अजीम मेरा नाम है। आज का कैंडल मार्च जो है तो एक शांति मार्च निकाला गया था स्वर्गीय फखरुद्दीन भाई के याद में, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। साथ ही हमारी जो है तो ये प्रशासन से ये मांग थी कि जो लोग भी उनके हत्या में आरोपित हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम लोग जो है सब्र किए हुए हैं और चाहते हैं कि हमारा जो है तो न्याय मिले। हाँ, हमें इसके लिए जो है तो कोई उग्र कदम ना उठाना पड़े। तो प्रशासन से मेरी यही विनती है कि जो है तो जल्द से जल्द जो है तो हमें न्याय दिया।